चैंपियन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर पर्सनैलिटी क्या होती है। आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे कोर्सेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, इंटरव्यू के लिए तैयारी करने वाले गवर्नमेंट जॉब में जो एस्पायरेंट्स हैं, प्राइवेट नौकरियों में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, या ओवरऑल PSUs या बहुत सारे कॉरपोरेट्स अपने एम्प्लॉयज की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं, उनके लिए कैंप्स लगाते हैं और इस बात पर तवज्जो देते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज की या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की पर्सनैलिटी बेटर हो, अबव देन एवरेज हो। तो आखिर ये पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी को मैं अपनी भाषा में अगर आपको समझाऊं, जो मुझे समझ में आती है, पर्सनल आइडेंटिटी, इन दो वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना है पर्सनैलिटी। यानी एक व्यक्ति जिसकी पीठ पीछे उसके बारे में क्या बात, क्या राय उस व्यक्ति को पहचान दे रही है, वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। अगर इसी वर्ड का, अगर इसी शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति के अंदर का तत्व, व्यक्ति प्लस तत्व, व्यक्ति के अंदर क्या तत्व है, क्या सब्सटेंस है, क्या माल मसाला है, क्या मादा है। शुद्ध बोलचाल की भाषा में इसको इस तरह से समझिए कि पर्सनैलिटी का मतलब है ओवरऑल आपका पर्सोना। आप एक्चुअली है क्या चीज, क्या बला हो आप। थोड़ा सा हंसी आ रही होगी, लेकिन ये इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस कोर्स के अंदर कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स और टॉपिक को मैं आपको हंसी मजाक में बहुत आसान तरीके से सिंपल आम आदमी की बोलचाल की भाषा में समझा सकूं। तो पर्सनैलिटी को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि व्हाट इज बेसिकली पर्सनैलिटी। अब ब्रिटेनिका या विकिपीडिया पर जाकर अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हो, विकिपीडिया के बारे में सब जानते हैं, नॉलेज का खजाना है, तो विकिपीडिया किस तरह से डिफाइन करता है पर्सनैलिटी को, समझते हैं। क्योंकि मैंने ये नोट किया है तो मुझे देखकर पढ़ना होगा, इसके लिए एक्सक्यूज मी। Personality is defined as the characteristic set of behaviors, cognitions and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors. Hindi translation अगर इसका करते हैं कि personality क्या है? Personality उन आपके चारित्रिक गुणों का, लक्षणों का सेट है जो आपके बिहेवियर, आपकी बौद्धिक क्षमता, आप किस तरह से किसी चीज को समझते हैं, थिंकिंग क्या है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, और इमोशनल पैटर्न, इन सब चीजों का जो सेट है, इनका जो ग्रुप है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर। और ये जो चीज है ये बायोलॉजिकल यानी इनहेरेंट, आप पैदा हुए, आपका माहौल, आपका आसपास का, जेनेटिकली, प्लस जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपने धीमे धीमे सीख कर बड़े हुए, जिस तरह का आपने विरोध झेला या फिर आपने परेशानियां झेली, या हो सकता है एप्रिसिएशन का माहौल झेला, या स्कूल कॉलेज में जिस तरह का आपको फीडबैक मिला, या लोगों के साथ में आपका व्यवहार रहा, या फिर लोगों ने आपको व्यवहार दिया, इन सब चीजों से, इन सारे कारकों से मिलकर बनने वाले आपके वैचारिक, आपके व्यवहारिक और इमोशनल पैटर्न का जो सेट है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन, वो कहलाता है आपका पर्सनैलिटी। तो ब्रिटेनिका कहता है पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज अ करेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। लगभग सेम पैटर्न पर इन्होंने बोला कि किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं और किस तरह से आप बिहेवियर करते हैं, इन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो चारित्रिक गुण हैं, इन तीनों डोमेन्स में आने वाले, वो सब आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। और आगे इसकी व्याख्या ब्रिटानिका में इस तरह से लिखी हुई है कि पर्सनैलिटी एम्ब्रेसेस मूड्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस एंड इज मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन इंटरेक्शन विद अदर पीपल। यानी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जा सकता है, पर्सनैलिटी के अंदर सम्मिलित होते हैं मूड्स, एटीट्यूड, आपका चीजों के बारे में जनरल रवैया क्या है। बहुत सारी परेशानी लाइफ में लोगों की आती है, आप उसके बारे में क्या रवैया देते हैं, एकदम से नेगेटिव हो जाते हो, बौखला जाते हो, या फिर बहुत शांत तरीके से रहकर उसको सॉल्व करने की या उसको स्वीकार करने की कोशिश करते हो। ओपिनियन, और किस तरह की ओपिनियन चीजों के बारे में आप रखते हो, इन सब चीजों से मिलकर बनता है पर्सनैलिटी। और सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है, एक्सप्रेस होता है आपके दूसरे लोगों के साथ किए गए व्यवहार में। यानी पर्सनैलिटी
कॉम्बिनेशन है उस सेट ऑफ कैरेक्टर का, आपकी फीलिंग का, आपके बिहेवियर का और आपकी थिंकिंग का, जो कि परिलक्षित होता है आपके व्यवहार में दूसरे लोगों के साथ किए गए। पर्सनैलिटी तभी दिखती है जब आप पब्लिक के सामने आते हो। अंदर कमरे में बैठकर आप कुछ भी करते रहो, वहां कोई आपकी पर्सनैलिटी असेस करने वाला नहीं है, अंटिल अनलेस इट इज अ क्लोज्ड रूम इंटरव्यू। ब्रिटानिका और क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड दैट डिस्टिंग्विशेस वन पर्सन फ्रॉम द अनदर एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पीपल्स रिलेशन टू द एनवायरमेंट एंड टू द सोशल ग्रुप्स। पर्सनैलिटी वो सेट ऑफ कैरेक्टर भी है जो कि आपको आपकी पैदाइश में आपके जन्मजात गुणों के रूप में भी मिलता है कई बार, और आप पलते हैं बढ़ते हैं तो धीमे धीमे अपनी लाइफ में उनको एक्वायर भी करते हैं, और ये सेट ऑफ इनहेरेंट यानी बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट के द्वारा दिए गए सारे चारित्रिक थिंकिंग मानसिक व्यावहारिक गुणों का जो सेट है वही आपको डिस्टिंग्विश करता है, आपको डिफरेंशिएट करता है, आपको भीड़ से अलग करता है, अपनी ही तरह के दो हाथ दो पैर दो आंख दो कान और एक नाक और एक मुंह वाले व्यक्तियों के समूह में जो इस धरती पर लगभग 7 बिलियन हैं। यानी आप इंसान हैं इन 7 बिलियन लोगों के बीच में, लेकिन इस 7 बिलियन लोगों में से आप भी इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी रखते हो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। तो अब समझते हैं कि क्यों ये सब्जेक्ट खास है, क्यों पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है इंटरव्यूज में, क्यों पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है रिलेशनशिप में। शादी करते समय लड़के में क्या देखा जाता है, लड़की में क्या देखा जाता है, कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट पर्सनल इंटरव्यू में लिया जाता है, उसकी वाक चातुर्य उसकी तार्किक क्षमताओं का असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन में किया जाता है। तो पर्सनैलिटी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन, और यही चीज आपको तरक्की दिलवा सकती है, यही चीज आपको नरक में धकेल सकती है, असफलताओं के गर्त में ले जा सकती है। और अगर आप हैं स्वामी एक इंस्पायरिंग मैग्नेटिक और चार्मिंग पर्सनैलिटी के, तो सफलता के द्वार आपके लिए पूरी जिंदगी में हर स्टेज पर खुले मिलेंगे। जहां जाओगे चाहे वो कोई सोशल सर्किल है, पॉलिटिकल सर्किल है, लाइफ का कोई भी स्टेज है, आपके लिए हमेशा तालियों की गड़गड़ाहट और सफलता बाहें खोलकर खड़ी होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट कितना है ये समझते हैं। बेसिक आपको आइडिया लगभग पिछले सेंटेंसेस में मिल ही गया होगा। जब एक इलेक्शन में नेता खड़े हुए, जिस पब्लिक लीडर का जो कैंडिडेट बोलने में अच्छा है, दिखने में थोड़ा सा अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखता है, बढ़िया फिट है, हेयर स्टाइल बढ़िया है, लोगों से स्माइल करके मिलता है, विनम्रता से मिलता है, और जब भाषण देता है तो आत्मीयता से लोगों की आत्मा को झकझोर देता है, वो कैंडिडेट जरूर जीतेगा। दिलों में घुस जाता है ऐसा कैंडिडेट अपनी उस वाक चातुर्य से, अपनी उस एनर्जी से, उस इमोशनल कनेक्ट, उस इमोशनल कनेक्टेडनेस के साथ, जो अपनी आंखों की चमक, अपने सौहार्दपूर्ण और मिलनसार व्यक्तित्व के साथ वो पब्लिक से मिलता है। इसी तरह से एक व्यक्ति जो अपनी कंपनी में हजारों एम्प्लॉइज के बीच में धीमे धीमे अलग से भीड़ से अलग खड़ा होकर धीमे धीमे तरक्की करता हुआ सीईओ की पोजीशन तक पहुंच जाता है, वो भी वही व्यक्ति होता है जो कि ऐसी स्पेशल पर्सनैलिटी, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का स्वामी होता है जो उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, लोगों के मेंटल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल कंपनी की कोलैबोरेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। यानी बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, बहुत अच्छा लीडर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स उसके अंदर है, सेल्समैन की क्वालिटी है, बढ़िया बोलता है, स्टेज पर छा जाता है, विजनरी लीडर है, स्पिरिचुअली बहुत साउंड है, उसकी माइंड के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी है हर चीज के अंदर, और शिद्दत से हर काम को करता है, इंस्पायर होकर करता है, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करता हुआ जाता है। इतना अहम है रोल पर्सनैलिटी। कुछ टीचर्स अगर आप याद करिए अपने बचपन में स्कूल या कॉलेज के टाइम पर, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी यादें आपके दिमाग में अभी भी होंगी। और पर्सनैलिटी का मतलब केवल सुंदर चेहरा, महंगे कपड़े, बढ़िया वाला फुसफुस वाला इत्र ये नहीं होता है। अरमानी का सूट हो या बढ़िया शर्ट हो, वैन हुसैन या जोडियक की बढ़िया टाई हो, बहुत अच्छे गुची या हश पपीज के शूज आप पहन रहे हो, ये जरूरी नहीं है।
और पर्सनालिटी को अगर हम ओवरऑल डिफाइन करें, ओवरऑल क्लासिफाई करें, तो दो तरह के, दो सेगमेंट पर्सनालिटी के, दो सेगमेंट पर्सनालिटी के हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। एक है आपकी आउटर पर्सनालिटी और एक है इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी वो हिस्सा है पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का, जो बिना आपके बोले दूर से कोई व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी अपीयरेंस, आपकी चाल ढाल, और आप इंटरेक्शन किसी और से कर रहे हो, आप या फोन पर बात कर रहे हो, उस कन्वर्सेशन से, आपके शब्दों से, उसके कहने के अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ असेस कर लेता है। और ऐसी पर्सनैलिटी रखनी होती है फिल्म स्टार्स को, मॉडल्स को, कॉर्पोरेट लीडर्स को, बॉसेस को, प्रोफेशनल्स को, होटल्स, एयरलाइंस के अंदर काम करने वाले स्टूअर्ड्स, एयर होस्टेसेस और रिसेप्शनिस्ट को। और इनर पर्सनैलिटी है आपके अंदर के चारित्रिक गुण, आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज, लोगों के प्रति आपका सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक बिहेवियर, एटीट्यूड, वो जब उजागर होता है, जब कोई व्यक्ति आपसे रूबरू होता है, आपसे इंटरेक्ट करता है, आपसे बातें करता है। तो आप कॉम्बिनेशन है इन इनर और आउटर पर्सनैलिटी के ट्रेट्स का, और ओवरऑल इन दोनों कारकों से, दोनों एलिमेंट से मिलकर बनती है पर्सनैलिटी। अब थोड़ा सा इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, मेरे लगभग 20-22 वर्षों के बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस और 11,500 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का एक सेट ऑफ माइंड होने की वजह से जो लर्निंग्स मैंने गैदर की हैं, उसके बेसिस पर पर्सनैलिटी को मैं कुछ 24-25 गुणों में डिफाइन कर रहा हूं। और मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी इन सब चीजों से मिलकर बनी है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या एलिमेंट पर आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, किन किन चीजों पर, हम इस कोर्स के अंदर बात करेंगे। डिटेल्ड हर टॉपिक पर वीडियोस आप सुनेंगे, चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वो यहां जान लेते हैं। पहला है ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका आउटर सेल्फ, किस तरह से आप अपने आप को, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह के आपके कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनने का ढंग, आपके बाल, आपकी ट्रिम्ड मूछें, आप दाढ़ी वाड़ी क्लियर करके चलते हो या नहीं, नाखून वगैरह आपके कटे हैं या नहीं, कहीं पसीनेदार शर्ट, पसीने की बदबूदार शर्ट पहनकर तो पब्लिक के बीच में नहीं चले जाते हो। इन सब चीज़ों को डिस्कशन इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। और दूसरा टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल या बिहेवियर आपका दूसरे लोगों के साथ, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, कितने असर्शन के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप दूसरों से आंखों में आंख डालकर बड़े हम्बल तरीके से हैंडशेक करते हो, उनसे बात करते समय आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आंखें इधर उधर तो नहीं कर रहे हो, या उनकी बात को बीच में काटकर अपनी बात बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, अच्छे लिसनर की तरह बात कर रहे हो या नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगला आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका, अपनी चीज को कहने का तरीका, पेश करने का ढंग, लैंग्वेज और वोकैबुलरी, आपकी भाषा, चाहे आप शुद्ध हिंदी में बात करें या मिक्स हिंदी और इंग्लिश में बात करें, लेकिन शब्दों का चयन कितनी अच्छी तरह से, कितनी बुद्धिमता के साथ, इंटेलिजेंस के साथ आप करते हैं, कितना बड़ा शब्दकोश है, किस किस तरह के टॉपिक्स पर आपकी जानकारी है, और क्या हर तरह के या उस पर्टिकुलर जगह पर चल रहे किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो हो रहा है, आप कुछ कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली कर पा रहे हैं या नहीं। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन सेंस, बट किसी एक सिचुएशन में क्या एक ये समझदार व्यक्ति को करना चाहिए, क्या आप वो करने की काबिलियत अपने माइंड में रखते हो या नहीं, ये होता है कॉमन सेंस। इंटेलेक्चुअल लेवल आपका क्या है, थिंकिंग का स्टैंडर्ड क्या है, कितना बड़ा आप सोचते हैं, किस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आप सोचने की क्षमता रखते हैं, ये आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है। इम्पैथी और सिंपैथी, जैसा कि मैंने बताया कि लोगों के प्रति आपकी दया की भावना है या नहीं, उनकी जगह पर अपने आप को रख कर उनकी परेशानियों को समझने की, उनकी परिस्थितियों को समझने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं, और लोगों के प्रति आपकी संवेदना आपके अंदर है या नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड असर्टिवनेस, आपका जो रवैया है चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, अपने किसी काम के प्रति, या ओवरऑल इकोनॉमी या सिचुएशन के प्रति क्या है, देश काल परिस्थिति और व्यक्तियों के प्रति आपका रवैया क्या है, कितनी असर्टिवनेस के साथ, कितने अफर्मेशन के साथ और विश्वास के साथ आप अपनी बात को रखते हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कहा और आपका मत बदल गया, इसने कुछ कहा आपका सोच बदल गई, तो अपनी बात पर टिके रहने की काबिलियत आपके अंदर, दमखम मादा है या नहीं। कॉन्फिडेंस और करेज,
कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है अपने ऊपर, अपने विचार, अपने शब्द, अपने सपने, अपने चुनाव, अपने चयन, करियर, जीवन साथी या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की लाइन या प्रोफेशन के लिए जो आपने किया है उस पर कितना कॉन्फिडेंस है। अगला आता है करेज, हिम्मत कितनी है आपके अंदर चीजों को, विषम परिस्थितियों को भी हंसकर खेल जाने के लिए, हंसते हुए उनको पार पाने के लिए, उनसे विजय पाने के लिए कितनी हिम्मत आपके अंदर है, कितनी जीवटता आपके अंदर है। और अगला आता है कि कितना रेस्पेक्ट आप दूसरों के प्रति अपने मन में रखते हो, हम्बल एटीट्यूड आपके अंदर है या नहीं। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में कितनी जानकारी आपको है, क्या आप वाकई में अपना पर्सनल असेसमेंट कर चुके हैं, और ये पर्सनल असेसमेंट आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये पर्सनल असेसमेंट आपको अच्छे करियर, मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल करियर और बिजनेस लाइन को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है। तो कितनी सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने बारे में। नेक्स्ट आता है 13, क्लैरिटी ऑन पर्पस इन द लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आपकी जीवन में आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपके सपने हैं, क्या आपका विजन है अपनी लाइफ को लेकर, यहां इस धरती पर पैदा हुए हो तो कोई पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कितनी हद तक जाकर आप तैयार अपने आप को कर रहे हो और वाकई में उस काम को करने में अपने जीवन को लगा रहे हो। नेक्स्ट आता है वैल्यू सिस्टम क्या है आपका, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं थोड़ा सा पैसे का लालच मिलने पे आप अपनी ईमानदारी का जो गाना गाते फिरते वो एकदम से गायब हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति के झूठ को छुपाने के लिए आप उसका साथ देने पर मजबूर हो जाओगे, या कहीं अन्याय होते हुए देखकर आपका मुंह नहीं खुलेगा, या एक भीड़ भाड़ के इलाके में बहुत ज्यादा किसी के प्रति ज्यादती हो गई, कोई क्राइम हो गया और वहां पर आप बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके खड़े हुए, क्या आपका कुछ वैल्यू सिस्टम, आपके अंदर कुछ करेज, कुछ इंसानियत जिंदा है, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। नेक्स्ट 15th है करेक्टर, आपका चरित्र ओवरऑल क्या है, आप कितने मजबूत हैं चारित्रिक रूप से। इससे अगला 16th आता है स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आध्यात्मिक क्वोशेंट आपका कितना है, लोग IQ और EQ की बात करते आ रहे हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशन क्वोशेंट की बात करते आ रहे हैं, लेकिन अब तो नए क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है, और उनमें से एक है SQ यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, कितना आध्यात्मिक रूप से आप रिच हैं, कितना कनेक्शन आप उस सुपर पावर ऑफ दिस यूनिवर्स से रेगुलरली फिक्स करते हो, अपने आप का एस्टेब्लिश करते हो थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशंस एंड विजिट टू द रिलीजियस प्लेसेस, कितनी इंसानियत के तौर पर आप काम करते हो लोगों की मदद कर। अगला है एडवर्सिटी क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब कहीं थोड़ी सी परेशानी आने पर आप डगमगा तो नहीं जाते हो, आप दाएं बाएं तो नहीं आपकी पर्सनैलिटी हो जाती, एकदम से बौखला तो नहीं जाते हो, बिफर तो नहीं जाते हो। अब अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर, कितना खूबसूरत आपका ब्रेन है, चाहे आप सिर से गंजे हो, नाटे दिखते हो, गुठली से दिखते हो, नाटा आपका कद है, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो देखने में, मोटे से हो, कपड़े भी बहुत एवरेज से ही पहनते हो, लेकिन आप बातें बड़ी जोरदार बना लेते हो। तो हाउ टू हैव अ ब्यूटिफुल माइंड एक शानदार किताब है, लेटरल थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च और कई सारी किताबें लिखने वाले महान लेखक, इटालियन लेखक हैं एडवार्ड दे बोनो, उनकी इस किताब के अंदर हाउ टू हैव अ ब्यूटिफुल माइंड एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, नरेट की है उन्होंने कि एक पार्टी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला ने एंट्री की, हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगा, और धीमे धीमे लोग उसके पास जाते, सब कोई बात करके बड़ा खुश होने की कोशिश करते, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके साथ बात करने के बाद लोगों का इंटरेस्ट हट जाता और वहां से दूर हो जाते हैं, और लगभग आधे घंटे के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसको आए हुए आधा घंटा हो गया उस हॉल में, थोड़ी देर बाद वो देखती है कि कोने में एक गंजा सा नाटा सा आदमी, उसको लोग घेर कर खड़े हुए हैं और उसकी बातें बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, बहुत ही मजे लेकर उसकी बातें सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो बड़ा लच्छेदार तरीके से बातें कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों से कनेक्ट करने की कला, और स्माइली चेहरे के साथ, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ लोगों को एंगेज करने की कला उसके अंदर डेवलप उसने की थी। इस तरह का खूबसूरत ब्रेन या ब्यूटीफुल माइंड और कन्वर्सेशन करने की, काजोल करने की कला आपके अंदर है या नहीं।
नेक्स्ट आता है लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर किसी भी सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या कंपनी के अंदर या अपने परिवार के अंदर जब कोई ऐसी जरूरत पड़ती है लीडर की तरह रोल लेने की, चीजों को एक्वायर करने की, चीजों को हैंडल करने की, आगे बढ़कर आकर प्रोएक्टिव तरीके से चीजों को करने की, तो आप आगे आते हैं या नहीं, या आप पिछलग्गू की तरह पीछे दाएं बाएं अपना गर्दन घुमाकर बचने की कोशिश करते हो कि कहीं मुझे कोई ना कह दे ये काम करने के लिए। अब आता है स्पेशल स्किल और नॉलेज। आपके अंदर क्या कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज है जिसकी बदौलत आपको अलग पहचान मिल सके, लोग आपको पहचान सके इस स्पेशल नॉलेज और स्किल के लिए, यार इस काम के लिए तो वो बेस्ट बंदा है, और भाई साहब इतने सारे लोग मैंने इस इंडस्ट्री में देखे लेकिन उस जैसा बंदा कोई देखा ही नहीं, इतना कोई बंदा आपके लिए कह सके। इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी, कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुशलता के साथ आप अपने काम को अंजाम देते हो, जो भी काम आप करते हो, ये इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन अगला टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज रखते हो, टाइम आपका, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, आपका घर, आपकी टेबल, आपका मेज, आपका बैग, आपका ऑफिस की डेस्क कितनी वेल ऑर्गेनाइज है, और ओवरऑल आप कितने वेल ऑर्गेनाइज हैं, रूटीन आपका फिक्स है या नहीं, किसी चीज के बारे में आप पूरा अकाउंटिंग लिखते हो या नहीं, ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको पर्सनली बता दूं, बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में जब लेकर आ पाया, बड़ी लापरवाही से चीज़ों को चलती जाती हैं, और वो लापरवाही एक दिन जाके बहुत बड़ा नुकसान हमें देती है। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं अपनी चीज़ों में, चाहे वो ऑर्गेनाइज थिंकिंग है, ऑर्गेनाइज वर्किंग है, ऑर्गेनाइज आपका डेली रूटीन है, ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ इन अ इफिशियंट मैनर रियली पेज ह्यूज पे ऑफ। मतलब मजा आ जाता है जिंदगी में, आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लो, चाहे कितनी भी मशक्कत कर लो, मेहनत कर लो, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, अगला टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन, तो चीजों को आप संभाल कर रख ही नहीं सकते, और वो ऊंचाई नहीं जिंदगी में पहुंच पाओगे जिस ऊंचाई पर पहुंचने की काबिलियत आपके अंदर है, या जो मेहनत आप दिन रात करते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगला टॉपिक था, जिसमें हमने पहले ही बोल दिया कि सेल्फ डिसिप्लिन, कितना कंट्रोल आपका चीजों के ऊपर है, कितना सेंस ऑफ कंट्रोल आप अपनी चीजों में, लाइफ में अपने आप को रखते हुए चल रहे हैं। ओपन टू लर्न, कितने टीचेबल हो आप। अभी मैं आपको इस कोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत ऐसी चीजें भी बताने वाला हूं शायद जो आपको लगता है कि पता है, लेकिन कितने ओपन माइंडेड होकर आप ये कोर्स सुनोगे, पढ़ोगे और इसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करोगे, वो आपका इस कोर्स से 100% मिलेगी चीजें, ये आपके लिए फायदामंद होगा या नहीं होगा, या कितने परसेंटेज आपकी जिंदगी में ये फर्क लेकर आ पाएगा, इस बात पर डिपेंड करे। अगला है एक्शन ओरिएंटेड, कहीं ऐसा तो नहीं केवल बातों के बतोड़े हो आप, केवल गप्पबाजी और सपने जो है मुंगरी लाल की तरह सपने देखने में बिलीव करते हो, सारी चीजें केवल कागजों में बड़ी अच्छी लगती है आपको, एक्शन ओरिएंटेड हो या नहीं। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स को फॉलो करना, अच्छी आदतों के गुलाम बनते हैं चैंपियन लोग, और वो पर्सनैलिटी के सुपर चैंपियन जिनको लोग तारीफ करते हैं, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता है, वो अपने आप को अच्छी आदतों का गुलाम बनाते हैं और अच्छी आदतों को जीवन में अपनाकर अपने आप को भीड़ से अलग कर लेते हैं। आता है परपेचुअल और हम्बल लर्नर, लगातार सीखते रहने की, जैसे कि ओपन टू लर्न वाला था उसी का एक एक्सटेंशन है, कि लगातार सीखते रहने की आपके अंदर आदत है या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जर्वेंट माइंड, कितने अच्छी तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करके वहां से सीख सकते हो नई चीजें करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को बेटर बनाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल है जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट सेट ऑफ लिस्ट है ऐसा मैं क्लेम नहीं करता, हो सकता है कि जो लिस्ट मैंने ये बनाई इस वीडियो में, शायद कोर्स के बनते रहने के दौरान कुछ और टॉपिक भी इसमें ऐड हो सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे एक्सक्यूज करें, बिकॉज अगर मैं आज ये इस समय जो ये सोचकर लिखा है अपने दिमाग से, तो शायद कोई चीज इधर उधर रह गई हो, मेरे से मिस हो गई हो, तो इस चीज को एक बिल्कुल ही कॉम्प्रिहेंसिव कंपल्सरी लिस्ट यस, बट इतना कह सकता हूं कि ये बहुत मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ये सारे कारक, ये सारे एलिमेंट और इस कोर्स के टॉपिक की तरह हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ होगा वो आप टॉपिक हम बिल्कुल कवर करेंगे, और आपके सजेशन भी सॉलिसिटेड हैं, आपके सुझाव, आपकी राय, आप हमें बताएं कि सर ये टॉपिक भी शायद हम मिस कर गए, तो आप मुझे बताइए, हम जरूर उसको
अपने कोर्स के अंदर, टॉपिक के अंदर, डिस्कशन के अंदर, वेबिनार या लाइव मास्टर क्लासेस के अंदर इंक्लूड करेंगे।